अम्बेडकर नगर में गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में आधा दर्जन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से तमंचा, दो पिकअप वाहन समेत कई सामान बरामद किया गया है। पहली मुठभेड़ बसखारी थाना क्षेत्र में जबकि दूसरी मुठभेड़ जैतपुर थाना क्षेत्र में हुई है। पकड़े गए गौ तस्करों से दो दिन पहले पुलिस टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें एसओ राजेश सुलेमपुर को चोटें आई थी, जबकि पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए गौ तस्कर हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पर दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में पूरे जनपद में रात्रिकालीन ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गौ तस्करों की चेकिंग की जा रही थी, तो कल बसखारी और जैतपुर थाना अंतर्गत दो स्थानों पर इन गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। इसमें कुल 6 गौ तस्कर, 2 बाल अपचारी गौ तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस और काटने के हथियार, ये सब बरामद हुए हैं। इसमें काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में आत्मसात पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिसमें 4 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। कॉम्बिंग के दौरान 2 लोग भागते समय उनके पैर में चोट लगी है। 2 बाल अपचारियों को भी गिरफ्तार किया गया।